मुंबई महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजंता यादव के नेतृत्व में मुंबई स्थित श्री मानव सेवा संघ ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल वुमेन्स डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां साधारण महिलाओं को सामान्य चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 50 वर्ष से अधिक महिलाओं ने रैंप वॉक किया। महिलाओं को खुश रहने और खुल के जीने के लिए अनुरोध किया गया। कांग्रेस पार्टी के मुंबई अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ और सुष्मिता देव मुख्य अतिथि रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में फूल गुच्छ देकर, शॉल देकर और सामान्य चिन्ह देकर महिलाओं को सम्मानित किया गया। विश्व में हो रहा है, ज़रूर उसके लिए सावधानी हमें बरतनी चाहिए। पर मैं ये भी कहूँगी कि महिला दिवस का ये कार्यक्रम हमने एक महीने पहले तय किया था और महिलाओं ने तय किया कि वो इस कार्यक्रम में आएंगे, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा अगर हमारे कार्यकर्ता यहाँ आने को तैयार हैं तो हम नेतागण क्यों पीछे रहे, हम भी उनके साथ रहेंगे। पर मेरा ये विश्वास है कि महिला कांग्रेस कोरोना वायरस को लेकर स्लम्स वगैरह में काम करेंगे और जो सावधानी हमें करनी चाहिए उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम अजंता जी पूरे मुंबई में करेंगे, क्योंकि महिलाएं हमारे जो कार्यकर्ता है हम हमेशा उनसे काम की उम्मीद रखते हैं। पर इंटरनेशनल वीमेंस डे पे हमको लगा कि उनको भी एक कल्चरल एंजॉयमेंट की ज़रूरत है और उनके टैलेंट को हमारे सामने लाने की ज़रूरत है, उस उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम किया। अब वर्षा जी बाकी जगह की तरफ से जागतिक महिला दिन के अवसर पे आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था और जो कार्यक्रम जैसा उन्होंने कहा कि एक महीने पहले ही तय हो गया था कार्यक्रम और सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें आना है, हमें इसमें शामिल होना है, हम भी यहाँ पे इसीलिए आए। हमें कार्यकर्ताओं ने कहा तो हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं और जैसा हमने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना की बात हो या बाकी उसके मामले में अवेयरनेस करने की बात हो, पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि मुंबई कांग्रेस और महिला कांग्रेस के माध्यम से अब इसके माध्यम से हम स्लम में जाएं, लोगों के बीच में अवेयरनेस लाएं कि जिस तरह से चाहे सैनिटाइजेशन का बात हो या हाथ धोने की बात हो, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस करने का काम हम लोग आने वाले वक्तों में करेंगे। मुझे लगता है महिला अलग अलग भूमिकाएं निभाती है, माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, बहू होती है, ननद होती है, तो अलग अलग भूमिकाएं महिलाएं निभाती है घर को बनाने का। अभी दुनिया बदल रही है, महिला के सवाल भी जो है उसके ऊपर चर्चा हो रही है। आज का दिन है, कल 2/8 को महिला जागतिक दिन है, जागतिक महिला दिन है और उसके पूर्व संध्या में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम मुंबई कांग्रेस महिला कांग्रेस ने रखा है, जिसके तहत महिला को सशक्त बनाना है, महिला को आगे बढ़ाना है और महिला को ताकतवर बनाने का काम इन लोगों ने करने का तय किया है और कांग्रेस की महिला एक अच्छी महिला की हैसियत से आगे जाएगी और उसको सपोर्ट करना है हमारा काम है, इसलिए हम लोगों ने उसको सपोर्ट किया। नहीं, सवाल यह है कि ये जो कार्यक्रम है वो मुंबई महिला कांग्रेस का कार्यक्रम है, मैं मुंबई के कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मेरा कर्तव्य ये होता है महिला कांग्रेस से जब कार्यक्रम करती है अजंता यादव जो महिला के अध्यक्ष है तो उसको साथ देना, सपोर्ट देना और उसका कार्यक्रम अच्छा कैसे हो इसके लिए मैं देखने को आया, तो सब पूरा कार्यक्रम का आयोजन अजंता यादव ने किया था, उसका सब ये महिला का ही कार्यक्रम है, महिला ने संगठित किया, इसमें खाली वो कार्यक्रम में हाजिर रहने को आया लेकिन सब काम महिला का है और इसके लिए महिला। मुंबई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते मैं मेरी प्यारी बहनों को जो कोने कोने से आज यहाँ पे उपस्थित हुई उनका बहुत बहुत आभार मानती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आज का कार्यक्रम अगर सफल हुआ है तो उसके पीछे मेरी मुंबई महिला कांग्रेस की सभी
जो मेरी कमेटी थी, ऑफिस बेयरर्स हैं, मेरे साथ बैठी हुई हैं सारी, मेरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी स्मिता चौधरी जी, मेरी मुंबई की सेक्रेटरी सुरेखा पाटिल जी, मेरी वाइस प्रेसिडेंट फरजाना बकाली जी, अनिशा जी, सुशीला जायसवाल जी, और जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी पूरी कमेटी है, ये सारे लोगों ने बहुत मेहनत की। हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आए मुंबई में कि अगर हमको महिला का सत्कार करना है तो वो उस महिला का सत्कार करना है जो एक साधारण घरेलू महिला है, उसका टैलेंट हमको लाना है बाहर और उसको ये प्लेटफॉर्म में सम्मानित करना है। ये हमारा उद्देश्य था, ये हमारी प्लानिंग थी और हम पूरी तरह उसमें सफल हुए। आज जो विनर्स यहाँ पे आए हैं, उन्होंने हर जिले से कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया। रंगोली कॉम्पिटिशन में महिला सशक्तिकरण की विचारधारा को अपने रंगोली के द्वारा प्रदर्शन किया। उसी तरह आज की स्त्री और ऐसे टॉपिक्स के अपने एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने भाग लिया। मेन हमारा उद्देश्य था कि महिलाएं भाग लें, अपने दिल की धड़कन को खोलें और अपना टैलेंट बाहर लाएं। तो आज हमने आज दो प्रकल्प और ट्रेनिंग चालू की। एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो बहुत ज़रूरी है आज मुंबई में, और इस देश में जो सरकार है, निकम्मी सरकार, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, जिन्होंने महिलाओं का न सम्मान दिया न उनको सुरक्षा दिया, आज महिला कांग्रेस की तरफ से और मुंबई कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमने सेल्फ ट्रेनिंग के क्लासेस कैंप्स चालू कर दिए, और उसी तरह महिलाओं को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए हमने रोज़गार भी महिलाओं को देने की शुरुआत की है। इस माध्यम से वो सेल्स एग्जीक्यूटिव पदवी उनको मिलेगी और वो जाके अपना प्रोडक्ट बेचेंगी और अपना घर को मजबूत बनाएगी, आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत बनाएगी। तो महिला कांग्रेस हर उस महिलाओं के कठिन परिस्थिति में शामिल होना चाहती है जिसमें वो अपने आप को अकेले देख रही है। आज आपने देखा कि यहाँ पे जो फंक्शन था उसमें जो अवार्ड्स दिए गए उसमें एक कंसेप्ट लेकर हम आए थे, हमारी टीम कंसेप्ट लेके आई थी महिला कांग्रेस की, लाडकी लेक अभियान, जिसमें पेरेंट्स को और लड़की को दोनों को सम्मानित किया, क्योंकि पेरेंट्स ने अपने गरीबी सिचुएशन में भी अपनी लड़की को